हेलो फ्रेंड्स, आज हम तली हुई प्याज या फ्राइड अनियंस बनाने जा रहे हैं। ये हमेशा बिरयानी की रेसिपीज़ में यूज़ होता है और इसके साथ ही हम इससे कई तरह के कोरमा या करी रेसिपीज़ भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ प्याज और तलने के लिए तेल चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे हमने 4 मीडियम आकार के प्याज ले लिए हैं। इन्हें हमने छील के अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। अब हमें इन्हें पतली पतली स्लाइसेस में काटना है। इसके लिए हम किसी चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कटिंग बोर्ड में रख के इसे पतली पतली स्लाइसेस में काट लिया है। आपके प्याज जितने पतले और यूनिफॉर्म कटेंगे, आपके प्याज उतने ही अच्छे तल के तैयार होंगे। ये देखिए, हमने अपने सारे प्याज काट के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें पानी में डाल के धो लेंगे। साथ ही धोते हुए हमें इनके सारे छल्ले अलग अलग करने हैं। प्याज के सारे लेयर्स हमने अलग अलग कर लिए हैं। अब हमें इन्हें एक छलनी में छान लेना है। अब हमें अपनी ये धुली हुई प्याज गर्म पानी में डालनी है, जो बॉईल होना चालू होने वाला है। नीचे आपको बुलबुले से उठते हुए दिखाई देने लगे जब आप ये प्याज उसमें डाल दीजिए। और हमें इसे ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना है, सिर्फ पहला उबाला आते तक ही इसे पानी में रखिए और फिर तुरंत छान लीजिए। अब हमें ये प्याज बहुत ही सावधानी से गरम तेल में डालनी है, क्योंकि हमारे प्याज में बहुत सारा पानी है और तेल में डालते ही तेल बहुत तेज़ी से उछलेगा और गर्म तेल हमारे हाथ पैर में भी आ सकता है। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से इसे हैंडल करने की ज़रूरत है। अब हम अपनी प्याज को गुलाबी होने तक हाई हीट में ही तलेंगे। हमें अपने प्याज को बीच में चलाते रहना है ताकि ये सब तरफ से एक समान तल के तैयार हो, वरना कोई सी प्याज सफ़ेद रह जाएगी और कोई से लाल दिखने लगेगी। अब हमारी प्याज थोड़ी गुलाबी होना चालू हो रही है, तो अब हम इसकी हीट लो कर देंगे। अब हमारी प्याज काफ़ी गुलाबी हो चुकी है, तो इस स्टेज में हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी लाल हो जाती है। इसे निकालने के लिए एक प्लेट में या किसी डोंगे में टिश्यू पेपर डाल के पहले से तैयार रख लीजिए, क्योंकि निकालने के बाद इसे तुरंत ही हमें टिश्यू पेपर में डालना है। प्याज तलने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप उसे पानी में बिना उबाले ही डायरेक्ट तेल में तल सकते हैं। या फिर एक तीसरा सबसे आसान तरीका जो है, वो है आप बाज़ार से इसे खरीद भी सकते हैं। आजकल ये पैकेट में मिल जाती हैं तली हुई प्याज, पर अपने हाथ से बने हुए ये प्याज बहुत ही हाइजीनिक होते हैं और इसे हम काफ़ी मात्रा में बना के स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत हो, हम इसे निकाल के तुरंत यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी प्याज तल के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। इसे ठंडा होने तक खुले में रहने दीजिए। आप देखेंगे ठंडा होने के बाद ये प्याज एकदम कुरकुरी हो जाएंगी। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके रख दीजिए। फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।